हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं मेरी चैनल अबाउट कंप्यूटर। तो आपको पता ही होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जो उस बारे में था कि आप किसी एक नेटवर्क पे जितने भी लैपटॉप या कंप्यूटर कनेक्टेड है तो उसको आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से कैसे रिस्टार्ट या शट डाउन कर सकते। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो और सीख सकते हो। तो उस वीडियो में मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक ऐसी बैच फाइल बनाइए जो फाइल हमारे लैपटॉप में रन होने के बाद जब भी हम हमारा लैपटॉप या पीसी रिस्टार्ट या टर्न ऑन करें तो वो फाइल ऑटोमेटिकली रन हो जानी चाहिए और फिर से हमारा लैपटॉप या पीसी शट डाउन मोड में चला जाना चाहिए। तो आज उसी के बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये देखिए, एक मैंने नोटपैड पे प्रोग्रामिंग कर रखी हुई है जो कि शट डाउन करने के लिए काम आएगी ऑटोमेटिकली। तो अगर ऐसे वायरसेस आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दो पार्ट उसके रखे हुए, उसकी लिंक दी गई हुई है, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको मैंने सेव करके रखा है तो मैं उसको बैच फाइल में सेव करूँगा। तो #7.bat इसको BAT में सेव करना है। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पे ये फाइल आ गई है। अब ये फाइल पे मैं अभी डबल क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरे लैपटॉप में रन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम ऑटोमेटिकली कैसे रन कर सकते हैं जब भी आपका लैपटॉप ऑन हो या रिस्टार्ट होता। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप विंडोज़ के लॉगो पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रन आएगा। रन में आपको इतना लिखना है जो अभी मैं लिख रहा हूँ, SHELL कॉलन स्टार्टअप। अब इतना लिखने के बाद आपको ओके करना है। तो ओके करेंगे तो ये एक उसका फोल्डर खुल जाएगा। अब ये आपको बैच फाइल इसमें मूव करनी है। मूव करने के बाद इसको आप क्लोज कर देंगे तो जब भी आप अपना लैपटॉप रिस्टार्ट या ऑन करेंगे तब ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपको इस फाइल से, मैं तो आपको सजेशन करता हूँ कि आप ये फाइल यहाँ पे स्टार्टअप में फोल्डर में डाल के इसको ट्राई मत करना। तो आपको कोई भी एक नोटपैड या कोई भी आप ब्राउज़र है उसको इसमें मूव करना, बाद में इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है नोटपैड या जो भी आपने रखा हुआ है वो। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप वैसे कर सकते हैं। नोटपैड को मैं नोटपैड को भी यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो ये एक बैच फाइल थी, वायरस था। अगर आपको और चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड करके वीडियोस देख सकते हैं या फिर ऐसे भी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।